नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने वीडियो का अगला पार्ट लेकर आई हूं। इससे पहले आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उज्ज्वला कटारिया, आपकी योगा टीचर। तो ये वीडियो है, हो सकता है कुछ लोग मुझे पहली बार देख रहे हों, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया था जिन्हें नी पेन के साथ साथ बैक पेन भी है, जिन्हें दोनों प्रकार का दर्द है, तो उन्हें क्या चीज़ें करके अपने आप को थोड़ा ठीक रख सके और अपने थोड़े वेट को कम करने के लिए काम कर सके। तो पहला पार्ट डल चुका है, आज इसकी दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें मैंने उसमें बताई थी और जो रह गई थी वो आज हम करेंगे। तो अगर आपका पहला वीडियो मिस हो गया है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा, आप वहाँ जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए, उस वीडियो में हमने कुछ बैठ के किया था, ठीक है, आज हम करेंगे सीधा लेट के। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि नी पेन और बैक पेन दोनों हैं, तो हर चीज़ को हमें बहुत ही आराम से और केयरफुली करना है ताकि किसी प्रकार का बॉडी को झटका भी ना लगे और हमें फ़ायदा भी अच्छा मिल सके। तो क्या करेंगे, सीधा लेट के शरीर को बिल्कुल एक्टिव रखना है। ये पैर और ये हाथ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधा पैर सीधे, हाथ बिल्कुल शरीर के साथ। अब यहाँ से आप एक लेग से एक सर्कल बनाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरे से दूसरा सर्कल बनाएंगे और वापस आएंगे, और गति जो है वो धीमी रहेगी। इस तरह से देखिए, वन, ठीक है, दूसरा ऊपर उठाया, घुमा के लेके आए वापस, टू, ये थ्री, ऊपर से फोर, फाइव, सिक्स, आपको बेड पे लेट के करना है बड़े आराम से, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। ये मैंने सिर्फ अभी 14 बार किया, 14 टाइम्स। तो आपको कम से कम 20 से 30 बार करना है। गति अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रही है और आप धीरे करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पर इससे तेज़ नहीं करिएगा, क्योंकि हमें अपनी बैक पेन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बैक पेन, नी पेन नहीं भी है, आपकी उम्र ज़्यादा है, एज पीपल है, वो इन चीज़ों को बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है, और फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हुआ पहला। अब दूसरा, आपको अपना एक टांग मोड़ के रखना है, बहुत ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नी ऑलरेडी दर्द है नी में, तो हल्का सा मोड़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा टांग है उसका पैर बिल्कुल सीधा और ऊपर नीचे करेंगे हम अपनी टांग को धीमी गति से, वन, और जब वापस लाए ना तो ज़मीन को ना छुएं, कोशिश करें ना छुएं। अगर मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, तो फिर रख सकते हैं, ठीक, अदरवाइज कोशिश करें बिना ज़मीन पर रखें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अब हम इसको मोड़ लेंगे इस तरह से, दूसरी टांग सीधी, और शुरू करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और धीरे से रिलैक्स। अब पैर ढीले, हाथ ढीले, आंखें बंद, गहरी श्वास, श्वास लें और छोड़ें, फिर श्वास लीजिए गहरा और छोड़िए, वेरी गुड। ये हो गई हमारी दो, ठीक है। अब आते हैं तीसरी पे। अब दोनों टांगों को मोड़ना है, अब उस हिसाब से मोड़िएगा कि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें, आपके नीज कंफर्टेबल रहें। ये मोड़ा, पैरों के बीच में गैप है, नीज के बीच में गैप है, हाथ ज़मीन पे रखिएगा। बहुत धीमी गति से अपने हिप्स को, अपनी कमर को ज़मीन से उठाना है श्वास लेते हुए, और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे हम लगातार करेंगे, तो जो इसकी गति रहेगी वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, कम, ज़्यादा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा,
श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, रिलैक्स। यहीं पे रुकते हुए गहरी श्वास। चलो अब नेक्स्ट देखें क्या करना है। टांगे मुड़ी रहेंगी, अब यहां से एक एक टांग सीधी होगी, जमीन की तरफ नहीं छत की तरफ। तो राइट लेग ऊपर सीधा किया, बिल्कुल जितना कर सकते हैं वापस मोड़ के नीचे रखा, फिर दूसरा सीधा किया और फिर वापस मोड़ के नीचे रखा। अब इसको लगातार करना है, सांस लेते हुए खोलिए, छोड़ते हुए मोड़िए, श्वास लीजिए छोड़िए, श्वास लीजिए छोड़िए, श्वास लीजिए छोड़िए। यस, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। धीरे से रिलैक्स। देखिए दोनों ही वीडियोस में जो चीजें बताई हैं ना, आप करके देखें, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, आपको अपने शरीर में खुद हल्कापन जो है महसूस होगा और आपके इंचेस लॉस जरूर होंगे, ऐसे ही धीरे धीरे वजन कम हो जाएगा। तो अब हमें लेना है करवट एक तरफ, इस तरह से करवट ले लेंगे हम, ठीक है। अब हो सकता है दोनों टांगे सीधी रखना कंफर्टेबल ना लगे, तो जो नीचे है ना टांग उसको हल्का सा मोड़ लो, ठीक है, और जो ऊपर वाला है उसको सीधा रखना है। ये हाथ आगे करके नहीं रखना है, इसको बिल्कुल यहाँ सीधा रखना है, शरीर ये वाला सीधा होना चाहिए, दूसरा हाथ जमीन पे रखें। अब जो टांग सीधी है ना उसको धीरे धीरे उठाइए, श्वास लेते हुए उठाइए, छोड़ते हुए नीचे ले जाइए, ये करना है, श्वास लेते हुए उठाइए, छोड़ते हुए नीचे ले आइए। तो 10 बार करेंगे, 2, 3, 4, आपसे जितनी उठाई जाए उतनी उठाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 बार किया, 15 करो, 20 करो, आपकी इच्छा है। यही तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है, वो मैं नहीं कर रही हूँ, पर आपको करना है। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब यहाँ से लेटना है उल्टा, ठीक है, उल्टा लेटेंगे बड़े आराम से, पेट के बल हल्का सा भुजंग आसन करेंगे हम, ज़्यादा नहीं उठेंगे। अगर ज़्यादा बैक पेन है तो बहुत ज़्यादा उठने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। पैरों में गैप रखना है, पंजे सीधे, दोनों हाथ कंधों के नीचे, कोहनियाँ ऐसे फैला के नहीं रखेंगे, शरीर के साथ रखेंगे। सांस लेते हुए हल्का सा उठे, छोड़ते हुए हल्का सा नीचे आ जाए, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सामने देखना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 5, ब्रीद आउट, 6, ब्रीद आउट, 7, ब्रीद आउट, 8, ब्रीद आउट, 9, ब्रीद आउट, 10, ब्रीद आउट। हाथ नीचे, ठोड़ी के गहरी श्वास। लंबा गहरा श्वास, 4 से 5 बार।
तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो मैं यही बोलूँगी कि दोनों ही वीडियोस को आपको देखकर हर चीज़ करनी है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर नी पेन भी है, बैक पेन भी है, आप ये हर चीज़ बहुत आराम से कर सकते हैं। तो करिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मेरे चैनल को आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे भी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी किसी के काम आ सके। आप सबका धन्यवाद।